देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र से, जहां पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल पेट्रोल पंप की नकदी जमा करने जा रहे दो कर्मचारियों को लुटेरों ने चार पहिया गाड़ी से टक्कर मार दी, जिस पर पेट्रोल पंप कर्मचारी नीचे गिर गए, जिसके बाद लुटेरे ने चार पहिया गाड़ी से उतरकर पंप कर्मचारी की कनपटी पर तमंचा लगा दिया और रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए, जिसकी सूचना कर्मचारियों द्वारा पुलिस को दी गई। आपको बता दें कि सूचना पाते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और निकटतम जिले की पुलिस के सहयोग से लुटेरों का घेराव किया गया, जिसके बाद जनपद की सीमा से लगी मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से घटना को अंजाम देने वाले सात आरोपियों को 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लिया गया, जिनके पास से लूट के 19 लाख रुपए और तीन तमंचे और कुछ जिंदा कारतूस, उसी के साथ दो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक रवि कुमार का क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। देखिए, ये कल माधोगढ़ क्षेत्र में पेट्रोल पंप से 19 लाख की लूट हुई थी। कल 11 बजे के करीब में जो प्रारंभिक सूचना थी वो प्राप्त हुई, उसके बाद इस घटना को तुरंत चैलेंज लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ में इस घटना का अनावरण 24 घंटे से भी कम समय में कर लिया गया है और सभी टीमों को हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा इनाम की घोषणा की गई है। DGP महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र, ADG जोन महोदय द्वारा 1 लाख का इनाम, DIG महोदय द्वारा 50,000 का इनाम और मेरी तरफ से भी 25,000 का इनाम पूरी टीम को दिया जा रहा है। कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, इनके कब्जे से 100% रिकवरी यानी पूरे 19 लाख रुपए, साथ ही साथ फोर्ड फिएस्टा गाड़ी जो इन्होंने घटना में प्रयोग किया था, तीन तमंचे और कुछ कारतूस और इनकी दो मोटरसाइकिलें जो घटना में भागने में इन लोगों ने प्रयोग किया था, इन सबकी रिकवरी करके इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जब हमारे प्रदेश की सरकार इतनी सक्रिय और इतनी काबिल हो तो अपराधी अपराध कर कैसे भाग सकता है। जी हाँ, ये सब, ये पूरी घटना का जो खुलासा हुआ है और लुटेरे रंगे हाथों पकड़े गए, ये पूरा सब कुछ मुमकिन हो पाया है हमारे प्रदेश की सरकार और हमारे प्रदेश का प्रशासन जो है उनकी सक्रियता के चलते। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।